अंडा बॉइल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैं क्या करूँगी कि पानी डाल दूंगी, जिस हिसाब से आपको कौन अंडा यूज़ करना है। सिर्फ इतना पानी डालिए कि अंडा आपका डीप हो जाए, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 12 अंडे उबालने जा रही हूँ। 12 अंडे उबालने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आधा कढ़ाई पानी लिया हुआ है। इतना पानी डालिएगा कि जितना आपका अंडा उसमें डीप हो जाए। देखिए ये अच्छे से भुजभुजा मारने लगा है कि ये हमारा पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, धीरे धीरे अपने जितने भी हमने अंडे लिए हैं बॉईल करने के लिए, मैं सारे अंडे धीरे धीरे इसमें डाल दूँगी। धीरे धीरे डालिएगा, तेज़ से डाल देंगे तो फिर वो फूटने के चांसेस रहते हैं। अभी ये थोड़ा सा कच्चा ही है ना, इसलिए हम धीरे धीरे सारे अंडे, देखिए मैंने इसमें 12 अंडे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि 2 चम्मच तेल डाल दूँगी। सरसों का तेल यूज़ करेंगे। सरसों का तेल यूज़ करेंगे इससे क्या होगा ना कि अंडा आपस में सटेगा नहीं और हमारा अंडा जो है फूटेगा नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना, अंडा बॉयल करते करते ही अंदर फूट जाता है और उसका अंदर पीला जो होता है वो बाहर निकल आता है। 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो पौना है मैंने इसको आधा करके इसके ऊपर ढक दी हूँ। इससे क्या होगा ना कि आधा ये ढका रहेगा और हाई फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। इससे क्या होगा ना कि ये हाई फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, इसे ढका रहेगा ना तो ये अच्छे से बन जाएगा। अगर आप पूरा ढक देंगे तो कभी कभी चांसेस फूटने के भी रहते हैं। देखिए अच्छे से बॉयल होने लगा है और हमारा अंडा जो है वो धीरे धीरे, देखिए तो अंडे पे चीर भी आने लगा है। अंडे पे जब चीर आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका अंडा पकने के कदार पे आ चुका है। मैं हाई फ्लेम पे इसको बना रही हूँ, बस 5 मिनट और पकाने की ज़रूरत है क्योंकि अंडे में चीर धीरे धीरे आने लगे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीर दिखेंगे। 5 मिनट और मैं इसको ढक के थोड़ा सा पका ले रही हूँ। हाई फ्लेम पर ही इसको हम अभी भी पका रहे हैं। देखिए ये 5 मिनट और हो गए हैं और इसमें चीर अच्छे से आ गया है। और हम इसको क्या करेंगे कि देखिए जैसे चीर आ गया है ना, मैं आपको दिखा दे रही हूँ और सारे में चीर लगभग समाए गए हैं। अब मैं इसको बंद कर दूँगी और हम इसको थाली में निकाल लेंगे। आपको मैं दिखा दूँ, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, पानी स्थिर हो गया, तो मैं आपको अच्छे से इसका चीर दिखा सकती हूँ। देखिए ऑलमोस्ट हर अंडे में चीर आ गया है। अब मैंने इसको थाली में निकाल लिया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको पूरा छील लूँगी। मतलब चीर आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका अंडा बॉयल हो चुका है और अगर आप तेल यूज़ करेंगे तो आपस में सटेगा नहीं और वो फूटेगा भी नहीं। अब मैं इसको छील लेती हूँ। छीलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं ना कितना सुंदर से छीला हुआ है। कहीं पे भी कोई भी निशान नहीं है फटने का, कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सुंदर से बॉयल हो चुका है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना घर पे ऐसे ही बॉयल करने के लिए। बस इतना ध्यान देना कि जब भी आप बॉयल करना तो इसमें थोड़ा सा तेल यूज़ कर लेना और फ्लेम हमेशा हाई ही रखिएगा। और मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।